ऑयस्टर सिंथेसिस के बारे में, इसको होमोलोगेशन ऑफ एन एसिड भी बोला जाता है, यानी एक एसिड को उसके जस्ट हायर मेंबर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड को एसिटिक एसिड में करना हो या एसिटिक एसिड को प्रोपेनोइक एसिड में करना हो या बेंजोइक एसिड को फिनाइल एसिटिक एसिड में करना हो, एक कार्बन आइटम जस्ट इंक्रीज करना है, तो ये मेथड है। कैसे होता है इसका मैकेनिज्म देखिए, ये लिया है हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले इसकी रिएक्शन होगी SOCl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। तो देखिए SO और ये O, इसको हम इस टाइप से लिख देते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ये बॉन्ड इस टाइप से टूटेगा, ये HCl निकल जाएगा, SO2 इवॉल्व होगी और ये क्लोरीन जुड़ जाएगा OH ग्रुप की प्लेस पर, तो क्या बन गया है यहां पर एसिड हैलाइड। फर्स्ट एक में थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन होती है, एसिड हैलाइड बनता है। नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन होगी डाई एजो मीथेन के साथ, CH2N2 डाई एजो मीथेन, इसका क्लोरीन, इसका हाइड्रोजन HCl इलिमिनेट होगा, बचा हुआ ग्रुप जुड़ जाएगा, ये बनेगा RCOCHN2 एसिटाइल डाई एजो मीथेन। इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, CH N2, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ये नॉर्मल नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ इस नाइट्रोजन के पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन के पास एक लोन पेयर है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये स्ट्रक्चर है एसिटाइल डाइजोमीथेन। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको जब आप हीट करेंगे सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो इसमें होगा रीअरेंजमेंट, इस रीअरेंजमेंट को बोला जाता है वुल्फ रीअरेंजमेंट, क्या बोलते हैं वुल्फ रीअरेंजमेंट, यदि आप हीट नहीं करेंगे तो इसी फॉर्म में रहेगा, सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट में क्या होगा दिख रहा है क्या आपको, नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, शेयर्ड पेयर इसके पास आएगी तो नाइट्रोजन की लोन पेयर जनरेट हो जाएगी, तो ये नाइट्रोजन इवॉल्व हो जाएगी, यहां पर नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में इलिमिनेट हो जाएगा, इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही यहां पॉजिटिव आएगा ये अल्काइल नेगेटिव के फॉर्म में, यहां अल्काइल शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन, और ये लोन पेयर आ जाएगी इन दोनों कार्बन एटम के बीच में, तो क्या क्या हो रहा है यहां पर, नाइट्रोजन इस शेयर्ड पेयर को लेके जा रहा है, नाइट्रोजन इवॉल्व हो रही है, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो अल्काइल नेगेटिव के फॉर्म में यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये लोन पेयर आ जाएगी दोनों कार्बन एटम के बीच में, तो नेक्स्ट कंडीशन में ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये कार्बन से अल्काइल ग्रुप यहां शिफ्ट हो गया, लोन पेयर दोनों कार्बन के बीच में, कीटीन बनेगा, कीटोनिक ग्रुप है और डबल बॉन्ड कीटीन। अब इस मॉलिक्यूल पे हम करेंगे हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हमेशा होती है, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसमें इलेक्ट्रोमेरिक चेंज होगा, इलेक्ट्रोमेरिक चेंज होगा, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज कार्बन पर पॉजिटिव, OH नेगेटिव जुड़ेगा पॉजिटिव कार्बन से, और एच पॉजिटिव अटैक कहां पे करेगा, एच पॉजिटिव का अटैक होगा ऑक्सीजन, नेगेटिव ऑक्सीजन, तो नेक्स्ट कंडीशन में ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये कार्बन एटम, इस पर OH ग्रुप अटैच हो चुका है, ये डबल बॉन्ड से CHR ये तो जुड़ा हुआ है और इस ऑक्सीजन पर जुड़ गया है एच पॉजिटिव, ये बन गया इनॉल फॉर्म, ठीक है इनॉल फॉर्म बना। अब इनॉल फॉर्म में क्या होगा, इनॉल से कीटो फॉर्म बनेगा, यानी टॉटोमराइजेशन होगा, तो ये टॉटोमराइज होगा, ये H आ जाएगा इस कार्बन पर
डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन। तो देखिए ये OH तो एस सच वैसे ही रहा, ये कार्बन ऑक्सीजन में आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये हाइड्रोजन इस पर चला गया यहाँ सिंगल बॉन्ड। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आर सी एच टू सी डबल ओ एच, आपने क्या लिया था आर सी डबल ओ एच, एक कार्बन एटम इंक्रीज हो। कार्बन एटम कहां से आया, डायजो मीथेन का, डायजो ग्रुप का जो एक कार्बन एटम है वो ये कार्बन एटम आया। समझ में, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आर्गनेट आइस्टर सिंथेसिस मींस होमोलोगेशन ऑफ एन एसिड, इसमें एक एसिड को उसके नेक्स्ट हायर होमोलॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एसिड की रिएक्शन होगी थायोनाइल क्लोराइड एसोसिएट के साथ, क्या बनेगा OH रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, एसिड हैलाइड बनेगा, एसिड हैलाइड की रिएक्शन होगी डायएजो मीथेन के साथ, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन HCl निकल जाएगा, डायएजो ग्रुप जुड़ जाएगा। इसका ओपन स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन का पॉजिटिव। उसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन ये शेयर्ड पेयर लेटर निकल जाएगा N2 के फॉर्म में, इसमें रीअरेंजमेंट होगा सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस को जब हीट करेंगे, इसको बोलते हैं वुफ रीअरेंजमेंट। अल्काइल जाएगा कार्बन पर नेगेटिव के फॉर्म में और ये लोन पेयर शिफ्ट होगी बिटवीन दीज टू कार्बन, एक कीटेन बना, उस पर वाटर का एडिशन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, OH ग्रुप जाएगा कार्बोनाइल कार्बन पर, H पॉजिटिव जाएगा ऑक्सीजन पर, ये इनॉल फॉर्म बन गया। अब इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होता है कीटो फॉर्म, तो इनॉल फॉर्म रीअरेंज होकर बना देगा कीटो फॉर्म, टॉटोमेरिज्म होता है। तो आर सी डब्ल्यू एच से आप बना रहे हैं आर सी एच टू सी डब्ल्यू, मतलब जस्ट नेक्स्ट हायर होमोलॉग। समझ में आया सभी को, बिल्कुल ईजी है। सो टेक केयर, लव यू ऑल।